सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा की तरह बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैपिटल इज़ द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। मैंने आपको सिखाया था कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल जो होता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, हर बिजनेस में पैसे तो अपनी जेब से ही इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब आती है बात जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, जॉइंट स्टॉक कंपनी पैसे रेस करती है थ्रू शेयर्स, यानी वो अपने शेयर्स का, अपनी कंपनियों का आईपीओ करवाते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये शेयर किसको कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं भाई। एज पर सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। यानी कि अगर एक कंपनी को 1 करोड़ की ज़रूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ करवाएगा। आईपीओ मतलब दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार मार्केट में शेयर बेचना। तो उस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट हुआ 1 रुपये का। वो 1 रुपये का जो सिंगल पार्ट है दोस्तों, उसी पार्ट को हम कहते हैं शेयर। ठीक है, शेयर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है इक्विटी शेयर दोस्तों, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। इक्विटी शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर एंड इज एन इक्विटी शेयर। सुनने में मजा किया लगा, बट यही रियल इसका डेफिनेशन है कि इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से जाना जाता है। इक्विटी शेयर खरीदने वाला बंदा जो होता है, इसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। वो कंपनी के अंदर पार्ट ले लेता है, कंपनी के रिस्क को, कंपनी के प्रॉफिट को और कंपनी के लॉस को एक साथ में शेयर करता है। ठीक है, लॉजिकली वो कंपनी का पार्शियल ओनर भी बन जाएगा। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला में ये होता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट। वो कंपनी के हर मैटर पे वोट करके अपना डिसीजन दे सकते हैं। सेकेंडली, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इलेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर कंपनी कल को बंद हो जाती है, इक्विटी शेयर इज परमानेंटली हेल्ड बाय द कंपनी एंड रिटर्न ओनली अपॉन वाइंडिंग अप। कंपनी बंद होगी तो ही आपको पैसा वापस मिलेगा, वरना पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर अगर कंपनी के पास कुछ सरप्लस प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर उसके अंदर भी अपना हिस्सा जो है वो मांग सकते हैं। अब कंपनी का जो डिविडेंड होगा, जो रिटर्न मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, वो डिसाइड करेगा मैनेजमेंट। मतलब आपने मैनेजमेंट सिलेक्ट किया, अब मैनेजमेंट आपके रेट ऑफ डिविडेंड को डिसाइड करेगा, आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। इक्विटी शेयर्स लिक्विड इन नेचर है, कैन बी सोल्ड इजीली इन द कैपिटल मार्केट। यानी आप NSE या BSE में जाके अपने शेयर्स को बहुत इजीली बेच सकते हैं, कोई लंबा प्रोसीजर इसका नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कंपनी बंद हो गई कहीं कहीं गारंटी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स की भी पहले मीनिंग को समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव द राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कल को कंपनी बंद हुई तो सबसे पहला पैसा हम प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, उसके बाद हम पैसा किसको रिटर्न करेंगे, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये बेनिफिट होता है प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने का। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेसिकली प्रेफरेंशियल राइट मिल गया कि उनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा। कल को कंपनी बंद हो गई तो उनका पहले सबसे पहले कैपिटल पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बाद में किया जाए पे करेंगे। इसका मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में सेफ है, गारंटीड है, बैंक के लॉकर की तरह कि ये पैसा आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के और भी फायदे कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और उनको हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रेट दिया डिविडेंड दिया जाएगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, उन्हें कितना पैसा मिलेगा उन्हें खुद नहीं पता होता। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। दोस्तों टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट करते हैं, आप इनमें से कोई भी एक शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। शेयर की नहीं, हम शेयर कैपिटल के अलग अलग टाइप्स होते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे होता है ऑथराइज कैपिटल, फिर आता है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये शेयर्स के टाइप नहीं है, ये कैपिटल के दोस्तों अलग अलग टाइप्स है। तो आइए हम एक एक करके सभी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हम एक एक को एग्जाम्पल लेंगे और स्टोरी के बिहाफ पे छोटा सा स्टोरी बनाएंगे जिसके दम पे हम सबको समझेंगे, तो एग्जाम में आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब इमेजिन कर लीजिए एक अचीवर्स टोटल नाम की कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि वो अपना IPO करवाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जो फेस वैल्यू उसने डिसाइड किया वो है ₹10। लेकिन ऐसा डायरेक्टली IPO नहीं हो सकता, कंपनी को मालिक को सेबी के पास जाके पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी परमिशन चाहिए होती है, जैसे मैंने कहा था। आप इमेजिन कर लो कि सेबी ने वो परमिशन ग्रांट कर दिए, ठीक है, और उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि आप 1 लाख शेयर जो है वो बेच सकते हैं। तो दोस्तों 1 लाख शेयर को कहा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो आपके मेमोरेंडम में लिखा होता है। कंपनी के मालिक ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख नहीं, वो सिर्फ 70,000 शेयर ही मार्केट में बेचेंगे। दोस्तों इसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने डिसाइड किया शेयर बेचने का। अब पब्लिक ने भी क्या किया, 70,000 में से सिर्फ 50,000 शेयर ही परचेस किए, तो दोस्तों इसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल में से कितने शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। अब कंपनी ने डिसाइड किया था भाई 1 शेयर का फेस वैल्यू जो है ₹10 होगा, लेकिन कंपनी को फिलहाल 10 की नहीं सिर्फ ₹6 की ही जरूरत थी, और कंपनी ने लोगों से सिर्फ ₹6 ही मांगे। तो इस ₹6 को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, यानी वो पैसा जो कंपनी शेयर होल्डर से मांगती है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, अब कंपनी ने ₹6 मांगा होता, कंपनी के एक शेयर होल्डर थे जिनका नाम था मिस्टर MG। ठीक है, उन्होंने कंपनी को सिर्फ ₹4 ही पे किया, जबकि कंपनी ने ₹6 मांगा था। तो इस ₹4 को हम क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल है, जितना लोगों ने दे दिया है। लेकिन मिस्टर एमजी ने ₹2 नहीं दिया था, तो ₹2 जो वो नहीं पे कर पाए दोस्तों, उस पैसे को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, यानी जो पैसा कंपनी को नहीं मिला। अब रिजर्व कैपिटल अगर आपको याद होगा तो इट इज अ पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप एंड विच द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप। मतलब कंपनी ने उस पैसे को साइड में सेफ साइड रखा हुआ है, कल को जब कंपनी बंद होने लगेगी तब उस कॉल के पैसे को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग अप करते वक्त बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, उस टाइम इस पैसे को यूज़ करेंगे दोस्तों, इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भाई शेयर्स को मार्केट में कैसे बेचते हैं, सर हमें ये भी सिखाइए। तो देखते हैं सर कि हाउ शेयर्स आर सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले कंपनी को क्या करना होगा, अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रॉस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के सारे डिटेल्स होंगे, जैसे फेस वैल्यू हो गया, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन, कंपनी की सारी डिटेल्स इसके अंदर रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप होता है वहाँ पे कंपनी क्या करती है, लोगों से एक फॉर्म भरवाती है। ठीक है, और लोग फॉर्म के थ्रू कंपनी में अप्लाई करेंगे और उसके साथ उन्हें एक अमाउंट भी पे करना पड़ेगा फॉर्म के साथ, इस अमाउंट को हम कहते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी क्या करेगा, जिन लोगों को शेयर्स देना चाहता है उन लोगों के नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर कर लेगा, बुक्स ऑफ कंपनीज में। ठीक है, और उनसे पैसा मांगेगा रजिस्ट्रेशन करने का भी। तो ये जो पैसा कंपनी ने अब मांगा है इसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर लीगली हो चुके हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा कंपनी टाइम पे जब उसको लगेगा वो उसको अलग अलग पार्ट्स में मांगती रहेगी, इसको हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। कंपनी थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल भी कर सकती है। जो आखिरी पैसा होगा उसको फाइनल कॉल बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं शेयर्स को इशू करने की, तो आपको टॉपिक 100% क्लियर रहेगा, फिर आप सम सॉल्व कर सकते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा एप्लीकेशन मनी एंट्री थी रिसिप्ट ऑफ, देखिए पहला आएगा रिसिप्ट फिर आएगा ट्रांसफर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक, हमने डेबिट कर लिया और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया। और ट्रांसफर की एंट्री उल्टा हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट में होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगा। अब इस एंट्री को आप ध्यान से देख लीजिए, इसी को ट्विस्ट करके हम आगे की भी सारी एंट्रीज बनाने वाले हैं। सेकेंड जो स्टेज था हमारा आपको याद होगा अलॉटमेंट, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेन एंट्री है। तो बीच में डिस्काउंट और प्रीमियम, अगर शेयर्स ₹10 गए हमने ₹8 में बेचा तो डिस्काउंट ₹2 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, शेयर्स ₹10 गए हमने उसको ₹12 में बेचा, ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है तो क्रेडिट में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ये ऑप्शनल है, दोनों एक साथ में नहीं आएगा, सब में या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये होता है अलॉटमेंट मनी का। अब अलॉटमेंट की डिमांड करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा भी लोग पे करेंगे, तो इसकी एंट्री देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहली वाली स्टेप में एंट्रीज रिवर्स हो गई, यानी वहाँ का ए वाला स्टेप यहाँ पे बी बन गया और वहाँ का बी वाला स्टेप यहाँ पे ए बन गया। ठीक है, मतलब एंट्री स्विच हो गई, एप्लीकेशन वर्ड रिप्लेस हो गया अलॉटमेंट वर्ड से। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी देखिए सेम है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, वहाँ पे क्या था, शेयर फर्स्ट कॉल के बदले शेयर अलॉटमेंट था, वहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख दिया हमने। सेकंड एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जबकि हमने वहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट में क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब खाली वर्ड चेंज हो रहा है, ओवरऑल एंट्री जो है दोस्तों वो पूरी की तरह से सेम है।
आप फर्स्ट कॉल के बाद सम सेकंड सेकंड कॉल थर्ड कॉल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा था, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी लास्ट कॉल होगा वहाँ पे आप फाइनल कॉल वर्ड यूज़ करेंगी। इनडायरेक्टली सारे एंट्री सेम होती है, खाली वर्ड्स को चेंज करना होता है। दोस्तों आप अपने कोई भी डाउट्स हमें हमने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अपने रिव्यूज़ रिव्यूज़ फीडबैक्स को ज़रूर लिखना, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप उसको ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट टिल डेट। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा।